को लिए चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां पर योगी कुछ कह रहे हैं विधानसभा में। 11 अग्निशमन केंद्र, 100 आवासीय भवन, 46 आगंतुक कक्ष तथा अन्य कुल 523 भवनों के कार्यों को भी इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की दिशा से बना करके पूरा किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने देश के अंदर जो टॉप के सबसे बेस्ट जो 10 थानों का चयन किया था, उसमें से 2 उत्तर प्रदेश के थाने थे, जिसमें एक लखनऊ का गुड़डब्बा थाना या तीसरे नंबर पर रहा और दूसरा मैनपुरी का घिरौर थाना। यह 2 थाने भी देश के अंदर सर्वोच्चम थाने में माने गए। प्रदेश के अंदर इस दौरान बजट में भी हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। खासतौर पर अक्सर हमारे माननीय विधायकगण एक बात की चर्चा करते थे कि अग्निशमन की दिशा से फायर टेंडर की स्थापना हो। ये सीजन है, रोज अग्निकांड की घटनाएं हो रही हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 130 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर फायर टेंडर नहीं है। हम इस बजट में 52 तहसीलों में फायर टेंडर की स्थापना करने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों का प्रयास है कि प्रत्येक थाने में बेहतर पुलिसिंग के लिए उनके पास अच्छे वाहन होने चाहिए और इस बार हम लोग हर थाने में 2-2 वाहन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे जनता को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने में पुलिस सफल हो सके। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण की कार्रवाई के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश से बजट में बेहतर व्यवस्था इसमें उपलब्ध करवाई है और पुलिस आधुनिकीकरण के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। जो हमारे विपक्ष के मित्रों की अनावश्यक एक आशंका है, विपक्ष हैं, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए विरोध हो, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं। प्रदेश की जनता की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जनता के द्वारा चुने गए हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है और यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जनता के प्रति सहानुभूति की बजाय जब हम अपराधियों के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं, घोषित माफियाओं को महिमामंडन करने का प्रयास करते हैं, तो स्थिति तब बिगड़ती है। और मैं यही अपील कर रहा हूं कि यूपी कोका का जो ये कानून हम लोग लेकर के आए हैं, यह अधिनियम देश के अंदर बने किसी भी उस प्रकार के कानून से बेहतर कानून होने जा रहा है। इसकी व्यापक संभावनाएं मैं पिछली बार भी अपने भाषण में यहां पर इस सदन के सामने प्रस्तुत किया हूं। 1986 के गैंगस्टर एक्ट की तुलना में क्यों हमें यूपी कोका को लाने की आवश्यकता महसूस हुई है, यह भी मैंने पिछले बार सदन में हुई चर्चा में मैंने इस बात को समय भी रखा था। और यूपी कोका को महाराष्ट्र या कर्नाटक के कानून के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोगों ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। मैं चाहूंगा यह प्रदेश के हित में संगठित अपराध या फिर किसी भी प्रकार के उस अपराध को जो प्रदेश के अंदर माहौल खराब करता है, प्रदेश के परसेप्शन को खराब करता है, प्रदेश की एक गलत छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, इसमें चाहे वह बाहुबल के आधार पर ठेकों का हत्याना हो, फिरौती के लिए अपहरण हो, अवैध खनन या अवैध शराब व्यवसाय हो, संगठित रूप से वनों की अवैध कटान का मामला हो, नकली दवाओं का उत्पादन और वितरण का हो, गैरकानूनी तरीके से सरकारी संपत्तियों को हड़पना, कब्जा करना, रंगदारी टैक्स वसूलना, ये तमाम ऐसे कृत्य हैं जिसके कारण प्रदेश की छवि खराब होती है, या किसी भी ऐसे अपराध को जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो,
समाज की सुरक्षा को उससे खतरा पैदा होता हो, इन सब को इस दायरे में लाने का प्रयास किया गया है और इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं। कोई गलत और कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ये कहना कि इसका दुरुपयोग होगा, इसमें पहले ही इसके बारे में पूरी व्यवस्था दे दी गई है कि इस अधिनियम में अभियोग उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया जाएगा जिनके विरुद्ध 5 वर्ष के भीतर 1 से अधिक अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किए गए हों और सक्षम न्यायालय द्वारा उन पर चार्ज फ्रेम किया जा चुका हो। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने वाला जो अभियोग है उसके लिए कमिश्नर और परिक्षेत्र के आईजी या डीआईजी स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है। अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचना के उपरांत आरोप पत्र निर्गत करने से पूर्व जोनल स्तर पर आईजी या एडीजी स्तर के अधिकारी से फिर अनुमति लेना अनिवार्य होगा, यह व्यवस्था भी इसमें दे दी गई है। संगठित अपराध करने वाले गिरोहों पर नियंत्रण और उनकी गतिविधियों पर निगरानी हेतु प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।